आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर एसपी सर, जो कि टैनेजर संस्था से हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, बताइए कि अब की जो इस इसके खेत की तैयारी होती है वो कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका होता है, तो इसका सही तरीका क्या है जिससे कि हमारी सहफसली बहुत अच्छे से हो सके। खेत की तैयारी के लिए अगर किसान के पास पहले से सरसों लगी है, अक्टूबर में अगर सरसों की बुआई की गई है, लाही की बुआई की गई है, तो वो इस समय कट जाती है और जैसे ही खेत खाली हो उसको हम ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से उसकी दो बांह जुताई कर दें। जुताई करने के बाद उसमें रोटावेटर चलाएं, हो सके तो दो बार रोटावेटर चला दें जिससे कि मिट्टी पूरी भुरभुरी हो जाए। और उसी समय पर ही हम इसमें गोबर की खाद एक ट्राली प्रति बीघा के हिसाब से या चार ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से हम खाद डाल देते हैं। क्या खाद के अलावा भी कोई और चीज़ों की, किसी उर्वरक की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग खेत में डालें? हाँ, इसमें उर्वरक इस तरह से ध्यान देना पड़ता है जो उर्वरक प्याज के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे मेंथा के लिए भी। तो दोनों फसलों के लिए उर्वरक एक साथ डालते हैं और इन दोनों फसलों में सुपर फास्फेट और पोटाश का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य रूप से प्याज के लिए सुपर फास्फेट या फास्फोरस का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सुपर फास्फेट की मात्रा फास्फोरस के रूप में दें और उसी के साथ साथ पोटाश की मात्रा दें। अगर हम मिट्टी की जांच करा लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो हमें एक एकड़ में 124 किलो सुपर फास्फेट और एक एकड़ में 32 किलो पोटाश, ये हम खेत की रुपाई करते समय डाल दें। मेंथा में नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, उतनी ज़रूरत प्याज को तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी शुरुआत में हम 22 से 24 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में नाइट्रोजन के रूप में यूरिया जो है हम डाल दें, जिससे कि दोनों फसलें हमारी ठीक ठाक चलना शुरू कर दें। जहाँ तक खाद की बात है, खाद इसमें बाद में भी देना ज़रूरी है, जब हमारी फसल एक महीने की हो जाए उस समय पर हम इसमें उर्वरक यूरिया के रूप में हम डालते हैं। मेंथा के लिए तो हमें चाहिए 22 किलो प्रति एकड़ एक बार में, फिर उसके बाद दोबारा जब हम डालते हैं तो 22 किलो दोबारा डालते हैं। तो इस तरह से तो मेंथा के लिए चाहिए। इसके प्याज के लिए वो यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम खाद डालें तो मेंथा की लाइन के किनारे अगर डालेंगे तो मेंथा को मिल जाएगा, अगर हम छिटक के डालते हैं तो प्याज और मेंथा दोनों को मिलेगा। लेकिन प्याज को चूंकि यूरिया नहीं चाहिए, नाइट्रोजन उतनी मात्रा में नहीं चाहिए, इसलिए हमें अपने मेंथा के लिए मेंथा की लाइन के किनारे हम यूरिया का डाल देंगे और हमारी प्याज चलती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इसकी रोपाई करते हैं तो कितनी दूरी लेनी होती है प्याज से मेंथा के बीच में? जब हम इसकी रोपाई करते हैं तो मेंथा जो है वो करीब 55 से 60 सेंटीमीटर, मतलब 22 से 24 इंच की दूरी पर लगाते हैं, और इसके बीच में दो लाइनों के बीच में, मेंथा की दो लाइनों के बीच में हम दो लाइन 15-15 सेंटीमीटर या 6-6 इंच की दूरी पर दो लाइन हम प्याज की लगा देते हैं, जिससे कि हमें मेंथा के लिए भी और प्याज के लिए भी बराबर मात्रा की दूरी पर्याप्त हो, जिससे उसके बढ़वार पर कोई असर ना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब ये सब लग गया, इसके बाद पानी जो हम लोग डालते हैं, बहुत बार होता है कि लोग पानी लगातार कई बार लगाते चले जाते हैं, उससे उनकी फसल ख़राब होती है, तो क्या सही तरीका है पानी लगाने का? पानी लगाने का सही तरीका तो है जिस समय हम रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि रोपाई करते समय मेंथा और प्याज की बेड़ दोनों लगा रहे हैं, इसलिए पानी लगाएं लेकिन खेत में पानी खड़ा ना हो, पानी भरा ना हो। अगर ज़्यादा पानी है तो उसको उतार दें, फिर उसमें मेंथा लगाएं और प्याज की बेड़ भी लगाएं। दोनों लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, मेंथा की
जड़ तो थोड़ा नीचे तक लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्याज की बेड़ जब हम लगाएं तो बिल्कुल ऊपरी सतह पर ही हल्का सा दबा के लगाएं, क्योंकि प्याज जो है ये जड़ से बनती है, इसकी जड़ को हम लोग कटाई करते हैं, ये बिल्कुल ऊपर जितना ऊपर ज़मीन की सतह पर रहेगी उतनी ही अच्छी हमारी प्याज की बढ़वार होगी। तो लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्याज की जड़ ज़्यादा नीचे न जाए, जबकि मेंथा की जड़ नीचे जानी चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं लेकिन 1 इंच नीचे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसमें कितनी खाद किस मात्रा में हम लोगों को डालनी है, क्या इसके अलावा भी कुछ और सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारे खेत को? साथ ही आपने बताया कि जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो आपने बता दिया, क्या पौधे से पौधे की दूरी भी ज़रूरी है ध्यान में रखना? देखिए, आपने दो बात किया, एक तो सूक्ष्म तत्व के बारे में और दूसरा पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, पौधे से पौधे की दूरी जो है मेंथा में जो है 15 सेंटीमीटर या 6 इंच रखते हैं, और प्याज में 4 इंच या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्याज को लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच या 10 सेंटीमीटर प्याज में, मेंथा में 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की दूरी पर लगाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था कि क्या इसमें सूक्ष्म तत्व की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, सूक्ष्म तत्व दोनों फसलों को चाहिए, मेंथा को भी चाहिए और प्याज को भी चाहिए। मेंथा के केस में अगर हम देखें तो इसमें आयरन या फेरस सल्फेट जिसको हम लोग कहते हैं वो दिया जाता है, इसमें जिंक दिया जाता है और इसमें सल्फर दिया जाता है। प्याज में सल्फर तो बहुत ज़रूरी है, सल्फर हमें देना चाहिए प्याज में, इसके साथ साथ सूक्ष्म तत्व में इसमें फेरस सल्फेट देना चाहिए और मैग्नीज इसमें देना चाहिए, जिससे कि हमारी प्याज जो है अच्छी बन सके। इसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब रुपाई कर रहे हैं उसी समय डालें, जब हमारी फसल खड़ी हो जाए लगभग 1 महीने की हो जाए उस समय पर हम इसमें स्प्रे विधि से, छिड़काव विधि से पूरे खेत में डालें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें खर्चा कम लगेगा, थोड़ी मात्रा में ही हमारा सूक्ष्म तत्व जो है पूरी फसल में पड़ जाएगा और सीधे हमारे पौधे को मिलेगा और पौधा जो है इसको ले करके अपना भोजन बनाएगा, अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और फसल पर असर पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें प्याज की जब हम सहफसली करते हैं मेंथा के साथ में, तो खरपतवार का क्या महत्व होता है इसमें? हाँ, खरपतवार दोनों में आते हैं, प्याज में भी आता है और मेंथा में भी आता है, और प्याज चूँकि हमें जड़ लेनी है तो उस समय पर तो गुड़ाई हमें करना ही चाहिए। तो गुड़ाई करने के लिए हम कुदाल तो इसमें चला नहीं पाते लेकिन खुरपी से गुड़ाई करते हैं, तो उसी समय पर जितने भी खरपतवार हैं, खरपतवार अगर ज़्यादा हैं तो प्याज की उपज पर बहुत असर पड़ेगा, मेंथा की उपज पर बहुत असर पड़ेगा, यहाँ तक कि बहुत फसल के उत्पादन पर असर पड़े, आधे से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार तो जैसे ही ये पौधा 1 महीने को हो जाए उस समय पर निकाई गुड़ाई ज़रूर कर देना चाहिए, उसके बाद समय समय पर खुरपी से प्याज की गुड़ाई करते रहना चाहिए। प्याज की गुड़ाई के लिए कम से कम 3 से 4 बार करें तो प्याज हमारी बहुत अच्छी होगी।